बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता रहता है और इसी कड़ी में बंसल न्यूज उन्नति के 4 साल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम जारी है, कई मेहमान कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ के यशस्वी खाद्य मंत्री आदरणीय श्री अमरजीत भगत को जी, उनके साथ सेशन के लिए सत्र के लिए कुलेश्वर पांडे जी हैं और शरद सर से आग्रह है, आदरणीय भगत सर के स्वागत हेतु आग्रह शरद द्विवेदी जी से कि वे उनका स्वागत कर इस सत्र की शुरुआत करें। और बातचीत के लिए हैं कुलेश्वर पांडे, आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी के स्वागत हेतु शरद सर। और मंच सौंपते हैं कुलेश्वर जी को। मैं आज के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में शुरुआत करूंगा, क्योंकि सरकार के 4 साल हो गए हैं और 4 साल में अब्बड़ काम तो करे और कुछ काम बाकी भी हरे। और इस समय हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी बात करबो। मंत्री जी, 4 साल हो गए सरकार ला, 4 साल में बहुत से काम करे हम देखे हैं। सरकार की पहली, कोई भी सरकार बनते कोई पहली प्राथमिकता रहते शहर बसाए की। आप मन सबसे पहले सोचो गांव के विकास करना है, गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, ये सब सोच और एक पीछे को उद्देश्य कार्य स्थापन की। सबसे पहले तो मैं आज छेरछेरा त्योहार है ओकर मैं सब झनला बधाई देता हूँ, बहुत बहुत सब झनला छेरछेरा की बधाई। हमार मन के जो विकास के अवधारणा है, अपन संस्कृति के प्रति प्रेम है, वो यही बात से उका झलक हर दिखते कि हमन छत्तीसगढ़ के हर मनखे मन के भावना के हमन बहुत कदर करथन, उनकर सम्मान करथन, उनकर संस्कृति के, उनकर जो ट्रेडिशनल चाहे वो त्योहार हो चाहे खान पान हो। छत्तीसगढ़ के नाम ले से ही एक प्रतिबिंब उभर के आते कि छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। यहाँ रहोइया जो नागरिक हैं ओमन कृषक पृष्ठभूमि वाला हैं, खेती बाड़ी करे वाला हैं, मेहनत कस लोग हैं। और हमार सरकार आए के बाद सबसे पहला काम करी से ओमन के श्रम के सम्मान दे के काम करी से, यहाँ के धरती पुत्र मन के, यहाँ के जो श्रम वीर है ओमन ला सम्मान दे के काम करी से, ये पहला काम हमार मन के। विकास के अवधारणा दूसर मन के कुछ और हो सकत है, लेकिन हमार मन के जो सोच रही से हमार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जो सोच के साथ छत्तीसगढ़ में काम शुरू करी कि बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े आलीशान इमारत बना दे से कोनो भी प्रदेश में खुशहाली या कोनो भी प्रदेश में समृद्धि नहीं आ सके। जब तक वहां रहे वाला नागरिक उकर आर्थिक स्थिति, उकर जीवन स्तर, जब उमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आए, उनमें कोई सुधार ना हो, तो विकास के अवधारणा अधूरा रह जाते। हमारे मन के सरकार हर यहां के नागरिक मन पर काम करे, यहां के जो रहे वाला मनखे ओमन के आर्थिक स्थिति में, ओमन के जीवन के स्तर में सुधार आए, एकर बर काम करे। छत्तीसगढ़ प्रदेश जेकर पहचान धान का कटोरा से है, हमारे से पहले जितना भी सरकार यहां काम करे रही से, छत्तीसगढ़ राज्य बने के पहले और बाद में, लेकिन हमार बन के भूपेश बघेल जी के सरकार जो काम करे है उकर कोई तुलना नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। मैं एकर से थी बोलत हूं कि पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी है मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल में आप मन
ऐसा कोई काम नहीं देखे हो जिमें किसान मन के सपोर्ट में कोई कार्यक्रम संचालित हुए हो, उमन के आर्थिक स्थिति में सुधार हुए हो। पिछले 15 साल के हमन अगर देखथन तो किसान लगातार कर्ज में डूबते जात रहे से, और कृषि काम इतना एक्सपेंसिव हो गई से, इतना खर्चीला हो गई से कि ओकर बीज, ओकर दवाई, ओकर गुड़ाई, ओकर बुनाई, ओकर ये प्रोसेस में इतना खर्च आते रहे कि कृषि के काम में पड़त नहीं पड़त रहे से लोग मन लागत पूंजी उमन के निकलत नहीं रही से। तो एक ट्रेडिशनल चल गई से लोग मन में कि अब खेती के काम हर घाटा के काम है और सब शहर के तरफ शिफ्ट हो गई। ये जो लोग मन के बीच परसेप्शन बन गई से ओला हमार सरकार आए के बाद सबसे पहले ये विश्वास दिलाई कि प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ये प्रदेश आपका अपना प्रदेश है, और जो काम आप पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी करते आ रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगा, उसी में आपको सपोर्ट मिलेगा, उसी रास्ते में आपको तरक्की मिलेगा। हमने जो एक स्लोगन दिया और उसको लोगों ने भरोसा किया कि सरकार में आए के बाद सबसे पहले किसान मन के कर्जा माफी काम हमन करें। जोन किसान मन कर्ज में डूबत रहे नमल्ला जेमन के मानसिक अवसाद में कई ऐसा कदम उठात रहे जेकर से कई जन फांसी लगा लें, कई जन जहर खा लें, अपन जीवन के इस लीला कर लें। हमार मन के सरकार हराइस तो मन के कॉन्फिडेंस लेवल ला बढ़ाइस और मन के सबसे पहले जो कर्ज में रहे मन के 10,000 करोड़ के कर्जा माफ करके मन लगे संबल प्रदान करेगा काम करे। दूसरा काम किसान मन के जो उपज है उकर सही दाम मिले उकर भर 2500 रुपया में हमार मन के घोषणा पत्र में भरी से हमन 2500 रुपया में धान खरीदे। दूसरा साल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, राज्य में विपक्ष में है, मन सब मिलके एक आदेश निकाल दें कि आप किसानों को 2500 रुपया धान का कीमत नहीं दे सकते, जितना MSP से है उतना ही दीजिए, अगर एक पैसा भी ज्यादा देंगे तो सेंट्रल पूल में आपका चावल जमा नहीं लिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक चेहरा है, कुछ किसान मन के खुशी उमन से देखल नहीं जा सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी खाद्य मंत्री होए के नाते मोला और कृषि मंत्री होए के नाते माननीय रविन्द्र चौबे जी ला संग में लेके स्पेशल फ्लाइट मंगाईस और यहां से हमन दिल्ली गए। दिल्ली में हमार मन के मीटिंग हुई। केंद्रीय खाद्य मंत्री टस से मस नहीं हुई और जो हमन 2500 रुपया में धान खरीदे पर अनुमति मांगत रहन केंद्र सरकार हर नहीं देस, बल्कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मन है उमन ये रुकवाए में सफल हो गए कि छत्तीसगढ़ के किसानों को MSP से ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता, बकायदे वहां से आदेश निकलवा दें। लेकिन मैं हमार मन के किसान पुत्र, हमार मन के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत साधुवाद देता हूं। वास्तव में कई ऐसा कदम है जेकर उकर साथ केकरो तुलना करल नहीं जा सके। एक तरफ पूरा भारत सरकार एकदम अड़ गए कि किसानों को MSP से सरकारी रेट से एक पैसा नहीं ज्यादा दे सकते हो, अगर दे दिए खबरदार तो तुम्हारा सेंट्रल पूल में हम चावल जमा नहीं लेंगे। किसी राज्य के लिए इससे बड़ा
और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं हो सकता, एक तरफ भारत सरकार और दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उनको 25 रुपया देना चाह रही थी, और केंद्र सरकार अड़ गया कि अगर एक पैसा ज्यादा दिए तो सेंट्रल पैसा पूल में तुम्हारा चावल जमा नहीं होगा। कितना बड़ा परीक्षा की घड़ी था, लेकिन भूपेश बघेल जी की साहस और पराक्रम को मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय पूल में चावल ले कि ना ले, ये उनका लुकआउट है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैं अपने राज्य के किसानों को बीच में नहीं छोड़ सकता। मेरा घोषणा है कि मैं हर परिस्थिति में किसानों का साथ दूंगा, और दिल्ली से आए के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई और 10,000 रुपया प्रति एकड़ अपन किसान मतलब छत्तीसगढ़ में दिया थे। एकर से बड़ा कोई कदम नहीं हो सका था। पूरा हिंदुस्तान में अगर किसान मतलब सबसे ज्यादा होकर उपज के दाम कहीं मिलते तो छत्तीसगढ़ में मिलते, और पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी अगर किसान मन के आंदोलन चलते, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, तो वहां के किसान मन मांग करते कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसको लागू करो, यह हमारे मन के पूंजी है। हमारे मन के योजना जेमन धान बेचा थे ओमन के तो धान के पैसा मिला थे, जेमन के धान नहीं बेचा थे ओमन बोलिन कि हमन बर काय, तो ओकरो बर हमार मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हर न्याय योजना के माध्यम से, भूमिहीन खेतियर न्याय योजना के माध्यम से ओमन लभी 7,000 रुपया सालाना देहे की योजना लागू करे है। केवल भूमिहीन खेतियर मजदूर मल्ला नहीं, बल्कि गांव में रहे वाला जो नाई के काम करते हैं, जो लोहारी के काम करते हैं, जो धोबी के काम करते हैं, जो पुजारी है, पंडा है, जीवन भर आर्थिक आमदनी के और कोई रास्ता नहीं है, ओमन ला घलो 7,000 रुपया सालाना दे के जो योजना संचालित करते हैं। मैं सोचता हूं कि अपन प्रदेश के नागरिक बन भरे बहुत बड़ा एक सौगात है। मंत्री जी, 4 साल में आप मन अब्बड़ साला योजना शुरू कर दियो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, युवा मितान क्लब, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, कृषि मजदूर भूमिहीन योजना, अब यही साल चुनाव है, कुछ और योजना बचा के रखियो कि नहीं रखियो कि पूरा योजना 4 साल में अपन लागू कर दियो? देखो, योजना तो बनते रहे थे और ओकर इम्प्लीमेंट भी होते रहते, लेकिन मोर जो सोचना है कि किसी भी देश या प्रदेश में योजना ऐसा बने जिसमें सर्वाधिक लोगों को, अधिक से अधिक जनसंख्या को आप कवर्ड कर सके और आपकी योजना से लोग लाभान्वित हो सके, लोगों को लगे कि ये सरकार हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और हमारे लिए काम कर रही है। अभी हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? आए दिन देखते हैं कि नारा और स्लोगन तो कुछ और था कि हम आएंगे, काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, मित्रों बहनों भाइयों आ गए, बहनें बैठी हैं, विश्वास किए, जो रसोई गैस 400-500 में मिलता था 4-450 में, आने के बाद उसको बढ़ा के 1,000 से ऊपर कर दिया, बहनें भी खुश हो गई, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। लोगों को क्या बोले थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जीएसटी ले आया, नोटबंदी ले आया, देश तबाह हो गया, लोग सड़कों में आ गए और उद्योग धंधे चौपट हो गए। हमारी सरकार थी तो केंद्र में हमने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लाया था,
पूरा देश में 100% विद्युतीकरण के लिए काम अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किया था तो वो यूपीए की सरकार ने की थी, जो गांव गांव में बिजली लगा। हमारी सरकार जब सेंट्रल में थी तो वन अधिकार पत्र देने के लिए केंद्रीय वन अधिकार कानून लाया, जिसमें लोग वर्षों से अपने जमीन में काबिज थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे, उनको कोई राइट्स नहीं था। कभी वन विभाग वाले उनको बेदखल करने की बात करते थे, कभी पुलिस तो कभी राजस्व। उस त्रासदी से, उस अवसाद से अगर किसी ने निकालने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने लाया। तीन तमाम प्रकार के जो कानून लाए हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति को जो चावल मिल रहा है उसी कानून का देन है जो सेंट्रल दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में हालांकि हम उसको डबल दे रहे हैं, 5 की जगह में 10 किलो चावल दे रहे हैं। पिछले सरकार में एक प्रशिक्षण था कि कई प्रकार के राशन कार्ड बनते थे, हरा पीला नीला पता नहीं कितना प्रकार कलर के, आदमी आदमी में भेद था। जबकि गुरु घासीदास बाबा कहते कि मनखे मनखे एक समान, लेकिन हम मनखे मनखे में भेद था, किसी का लाल किसी का हरा किसी का पीला किसी का नीला। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबको एक नजर से देखा, सबका राशन कार्ड एक कलर का, और हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम को लागू किया। पिछले सरकार में मोला मालूम है कि जब डॉक्टर साहब है मुख्यमंत्री रही सो गांव में जाए और भीड़ इकट्ठा भर करे भर प्रशासनिक अधिकारी मन गाड़ी भेजा, कोई बैठना नहीं चाहे तो बोले तो राशन कार्ड कट जाए, राशन कार्ड के नाम से लोग मन डरवाए। लेकिन और जब चुनाव पहुंचे तो राशन कार्ड बनाए, और जैसे चुनाव निकल जाए तो राशन कार्ड सत्यापन के नाम से कट भी जाए। लेकिन हवार मन की सरकार आए के बाद चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए हमार मुख्यमंत्री अगर कहीस कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सस्ता चावल सबका अधिकार, हमने सबको एक नजर से देखा, अमीर हो या गरीब सबका राशन कार्ड एक कलर का, और अमीर और गरीब में केवल एक फर्क हमने रखा है कि गरीब को मिलेगा 1 रुपया किलो में चावल और अमीर को मिलेगा 10 रुपया किलो में चावल। तो ये आपने जो कहा कि सरकार का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उसका आपने सब अभी बांट दिया कि कुछ बचा के रखा है, तो केवल चुनाव के समय ही नहीं होना चाहिए। अगर जनता ने आपको अवसर दिया है तो काम करने के लिए अवसर दिया है, लोगों के लिए काम करना चाहिए, सेवा करने के लिए अवसर दिया है, लोगों का सेवा करना चाहिए। और जिस योजना में राज्य के या देश के अधिक से अधिक जनसंख्या अगर कवर्ड होती हो, योजना से लाभान्वित होती हो, तो मैं सोचता हूं योजना भी सफल है, सरकार भी सफल है, और सरकार की सभी योजनाएं भी सफल होंगी, और आपका जो सेवा करने के लिए आप आए हो उसमें, उस मंसूबे भी आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बेबाकी से मंत्री जी आज जवाब दी से, बहुत से योजना शुरू करे और चुनाव भी यही साल है तो और योजना है गुलाबी चालू करी। मंत्री जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगे आपसे। और शरद सर से आग्रह है माननीय मंत्री जी को सम्मानित करने हेतु, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु आदरणीय।